तो समथिंग आज आप कह दो तो आज हम यूट्यूब पे कुछ शॉर्ट देखेंगे। तो चलो पहले तो चलिए आज भैया के साथ चैलेंज करते हैं। भैया अगर आप 25 सेकंड के अंदर बल्ले पापड़ी की प्लेट बना देते हो ना आपको 500 रुपए कैश मिलेंगे। क्या आप रेडी है चैलेंज के लिए? रेडी है बिल्कुल बिल्कुल। कर दो भैया स्टार्ट। करो भैया शुरू कर दिया यहाँ पे। ये देखिए जी 1 सेकंड हो गए, 2 सेकंड, ये देखिए जी आप देखते जाइए पापड़ी। और भैया 7 सेकंड हो गए, सारी पापड़ी आ गई है। और ये आगे जी मसाले 11 सेकंड हो गए भैया। ये आगे जी दही यहाँ पे 14 सेकंड, कचालू आ गए। ये आगे जी इनकी बढ़िया वाली चटनी। चलो भाई कंप्लीट। ओह तेरी भाई साहब 23 सेकंड के अंदर इन्होंने यहाँ पे देखिए जी पूरी प्लेट बना दी है भल्ले पापड़ी की। तो भाई भैया 500 रुपए लेके ही मारे। तो भैया आपका यहाँ पे हाल ही में नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स की एक वीडियो सामने आई है जिसमें आप देख सकते हो कि कैसे वहाँ के सोल्जर्स बस एक पंच से ईंटें तोड़ दे रहे हैं, अपने गर्दन से लोहे के रॉड को मोड़ रहे हैं और लोहे के जंजीरों को कुछ ऐसे करके तोड़ रहे हैं। एक्चुअली ये सोल्जर्स ये सब करतब अपने लीडर किम जोंग को खुश करने के लिए कर रहे हैं। फिर आप सोच रहे होंगे कि नॉर्थ कोरिया में तो इतनी पाबंदी है फिर ये वीडियो वायरल कैसे हुई। तो एक्चुअली किम जोंग ने जानबूझकर इस वीडियो को वायरल किया है दूसरे देशों। आज के नए संस्कार, यदि आपके घर कोई पधारे तो उसे पानी पूछने से पहले ये कहिए प्रणाम, लाइए आपका फोन चार्जिंग पर लगा दे, कसम से दिल से दुआ देंगे सामने वाले। फिर मिठाई बिस्कुट पूछने से पहले ये पूछिए क्या आप वाईफाई का पासवर्ड लेना चाहेंगे। उनकी आंखों में खुशी के आंसू ना आने लगे तो कहना हॉटस्टार पर क्रिकेट देखना पसंद करेंगे या नेटफ्लिक्स का पासवर्ड दे। ये सुनकर मेहमान खुशी से पागल हो जाएंगे। तो आइए इस नए जमाने में कुछ नया करें। अतिथि If you would have invested 30... मान लो कि आप गाड़ी चला रहे हो और आपकी गाड़ी पेट्रोल की कमी की वजह से बंद हो जाती है। ज्यादा संभावना है कि या तो आप माफ बहन करोगे और फिर धक्का लगाओगे या फिर आप मदद मांगोगे। लेकिन क्या हो अगर किसी उड़ते हुए प्लेन में ईंधन अचानक से खत्म हो जाए। ऐसा ही हुआ 1983 में एयर कनाडा 143 के साथ जब 41,000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन का ईंधन खत्म हो गया। दरअसल एयरक्राफ्ट 767 में 22,300 किलो तेल भरना था लेकिन तेल भरने वाली टीम ने गलती से 22,300 पाउंड तेल भर दिया जो लगभग 10,000 किलो तेल होता है। प्लेन 41,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ रही थी और तभी अचानक से प्लेन के बाद एक दोनों इंजन बंद हो गए। इंजन के बंद होते ही प्लेन की ज्यादातर बिजली खत्म हो गई और प्लेन के ज्यादातर कंट्रोल्स बंद हो गए। पायलट से बची हुई इमरजेंसी टर्बाइन ऊर्जा से तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया। आखिर में फाइनलाइज हुआ कि उन्हें किसी भी तरह प्लेन को पास में से पुराने एयरफोर्स के रनवे पर लैंड कराना है। लेकिन एयरफोर्स बेस पुराना होने की वजह से वहाँ के रनवे पर रेस और कंपटीशन हो रहा था। प्लेन के दोनों इंजन बंद होने की वजह से प्लेन में ज्यादा आवाज नहीं आ रही थी। पायलट ने प्लेन की स्पीड को जल्दी से रोकने के लिए प्लेन को स्लिप खिलाना जरूरी समझा। इसी वजह से प्लेन के लैंड होते ही प्लेन का अगला टायर ब्लास्ट हो गया और प्लेन रनवे पर घिसटते हुए कुछ ही दूरी तक जाकर रुक गया। प्लेन जहाँ रुका वहाँ से कुछ ही दूर आगे लोग साइकिल चला रहे थे लेकिन आखिर में इस घटना की वजह से किसी को कुछ नहीं हुआ। मान लो कि आप गाड़ी शाओलिन मोंक एक ऐसा इंसान जो 1,000 लोगों के बराबर ताकत रखता है। शाओलिन मोंक कुंफू के वो मास्टर है जिसे हराना WWE के रेसलर के भी बस की बात नहीं। लेकिन इनके पास इतनी ताकत आती कहां से है? इसके पीछे मेनली 3 reasons है। सिर्फ 6 साल की उम्र से ही इनकी शाओलिन मोंक बनने की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है ताकि बचपन से ही इनकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल हो जाए जो कितना भी दुख और दर्द सहन कर सके। शाओलिन मोंक अपनी बॉडी और फिंगर्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इतनी खतरनाक प्रैक्टिस करते हैं कि सिर्फ उंगलियों के बल पर पूरी बॉडी को बैलेंस करके पुशअप कर लेते हैं। सिर्फ यही नहीं, यह अपनी उंगलियों से पेड़ों पर इतना मारते हैं कि पेड़ों में भी छेद हो जाते हैं। शाओलिन मोंक इतना जबरदस्त मेडिटेशन करते हैं कि चाहे कितनी भी टफ सिचुएशन हो लेकिन फिर भी यह बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। तो कौन सी है आपकी सबसे फेवरेट वाली फाइट? शाओलिन मोंक एक ऐसा इंसान जो 1,000 लोगों के बराबर ताकत रखता है। शाओलिन मोंक कुंफू के वो मास्टर है जिसे हराना WWE के रेसलर के भी। दोस्तों आपने YouTube पर मिस्टर इंडियन हैकर और क्रेजी XYZ की ऐसी काफी वीडियो तो देखी होगी जिनमें ये बताया जाता है कि दोनों कैसे एक दूसरे से जलते हैं। लेकिन जब मिस्टर इंडियन हैकर क्रेजी XYZ के घर जाते हैं तो सच कुछ और ही निकलता है। इस वीडियो में दोनों ने बताया कि वे एक दूसरे से बिल्कुल नहीं जलते हैं जबकि एक दूसरे को काफी सपोर्ट करते हैं। और हमारे अमित भाई यानी कि क्रेजी XYZ ने मिस्टर इंडियन हैकर को अपना पूरा सेटअप का टूर भी कराया। वैसे दोस्तों आपको दोनों में से किसकी वीडियो देखना पसंद करते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों आपने YouTube पर मिस्टर इंडियन हैकर और क्रेजी XYZ की ऐसी काफी वीडियो तो देखी होगी जिनमें ये बताया जाता है कि दोनों कैसे एक दूसरे से जलते हैं। लेकिन जब मिस्टर इंडियन हैकर क्रेजी XYZ के घर जाते हैं तो सच कुछ और ही निकलता है। इस वीडियो में दोनों ने बताया कि वे एक दूसरे से बिल्कुल नहीं जलते हैं जबकि
क्या होगा अगर सारे इंसान धरती से गायब हो जाएं? क्या इंसानों के गायब हो जाने से पृथ्वी और भी हरी भरी हो जाएगी या फिर तबाही मचेगी? जैसे ही सारे इंसान धरती से गायब होंगे, सारे एरोप्लेन जमीन पर गिरने लगेंगे, सारी गाड़ियां आपस में टकराने लगेंगी और ट्रेनें पटरी पे से उतर जाएंगी। कुछ घंटों बाद पूरे वर्ल्ड की बिजली गुल हो जाएगी। 10 दिनों के बाद सभी पक्षी और जानवर भूख और प्यास के कारण मर जाएंगे। वे लोग एक दूसरे को मारकर खाने लगेंगे। एक महीने बाद सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट फटने लगेंगे और एक जोरदार धमाका होगा जो कि चेर्नोबिल डिजास्टर से काफी ज्यादा खतरनाक होगा और पूरे एरिया में रेडिएशन फैल जाएगी। स्पेस में मौजूद सभी सैटेलाइट धरती पर गिरने लगेंगी। 50 सालों बाद दुबई और लास वेगास रेगिस्तान में बदल जाएंगे और फिर 300 साल बाद लोहे के पुल और आईफिल टावर और कई सारे बिल्डिंग्स मेंटेनेंस ना होने के कारण गिरने लगेंगे। क्या होगा अगर सारे इंसान धरती से गायब हो जाएं? क्या यू आर वॉचिंग अ मास्टर एट वर्क? भारत का सबसे जहरीला सांप किंग कोबरा किसी को काट ले तो तुरंत मौत की नींद सुला सकती है, लेकिन इस कोबरा की ये दुर्दशा देखो। 12 फुट लंबा ये किंग कोबरा जंगल से निकलकर पास के गांव में आ गया था, तो सिरेक रेस्क्यू टीम को बुलाया गया और जब रेस्क्यू टीम कोबरा को पकड़ रहे थे तो उन्होंने देखा कि किंग कोबरा उन्हें अटैक ना करके बार बार दुकान में रख के वाटर प्यूरिफायर की तरफ लपकने की कोशिश कर रहा था। फिर रेस्क्यू टीम के एक सदस्य को कुछ समझ आया और वो अपनी पानी की बोतल जैसे ही कोबरा की तरफ बढ़ाया तो कोबरा बोतल से पानी पीने लगा। भारत का सबसे आज के समय में दुनिया में पाए जाने वाला सबसे बड़ा जीव है ब्लू व्हेल मछली, जिसकी लंबाई तकरीबन फैक्ट नंबर वन पूरी दुनिया में है। ये लंबा सा पाइप बुर्ज खलीफा के ऊपर क्यों लगाया गया है, जिसका वजन 350 टन है? दोस्तों, आपने बुर्ज खलीफा के कई सारे वीडियो व फोटो देखे होंगे जिसमें आपने बुर्ज खलीफा के सबसे ऊपर एक पाइप लगा हुआ जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस पाइप का क्या काम होता है और इसे क्यों लगाया गया है? तो दरअसल ये एक तड़ित चालक है जिसने कई बार बुर्ज खलीफा को बिजली गिरने से बचाया। जब भी बिजली गिरती है तो वह इस पाइप से होकर जमीन में चली जाती है। ये लंबा सा पाइप बुर्ज खलीफा के ऊपर क्यों लगाया गया है, जिसका वजन 350 टन है? दोस्तों, आपने बुर्ज खलीफा के कई सारे वीडियो व फोटो देखे होंगे जिसमें आपने बुर्ज खलीफा के सबसे ऊपर एक पाइप लगा हुआ जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस पाइप का क्या काम होता है और इसे क्यों लगाया गया है? तो दरअसल ये एक तड़ित चालक है जिसने कई बार बुर्ज खलीफा को बिजली गिरने से बचाया। जब भी बिजली गिरती है तो वह इस पाइप से होकर जमीन में चली जाती है। ये लंबा सा पाइप बुर्ज खलीफा के ऊपर क्यों लगाया गया है, जिसका वजन 350 टन है? दोस्तों, आपने बुर्ज खलीफा के कई सारे वीडियो व फोटो देखे होंगे जिसमें आपने बुर्ज खलीफा के सबसे ऊपर एक पाइप। दोस्तों, क्या होगा अगर नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को हमारी इंडियन मिलिट्री के साथ भिड़ा दिया जाए? तो वैसे तो आप सभी जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जो अपने आप को हमेशा शक्तिशाली दिखाने की कोशिश करता है, पर फिर भी कभी जंग अगर हो गई तो आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा, नॉर्थ कोरिया के सैनिक या हमारी इंडियन मिलिट्री? वैसे मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों में एक वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है जिसके अंदर नॉर्थ कोरियन सैनिक अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि हमारी इंडियन मिलिट्री भी कुछ कम नहीं है। अगर हमारी इंडियन मिलिट्री पाकिस्तान में जाकर 2 कोड़ी के आतंकवादियों को मार सकती है तो लोहे की पुतली आखिर क्या ही चीज है? हमारा इतिहास बताता है कि हमने आज तक जाकर पहले कभी भी हमला नहीं किया, हम हमेशा शांति प्रिय रहे हैं। पर अगर किसी ने हमारे देश की तरफ आंख उठाकर भी देखा है तो फिर हम चुप नहीं रहते। पर अगर नॉर्थ कोरिया की जंग कभी हमारे भारत के साथ हो गई तो नॉर्थ कोरिया का क्या हाल होगा, ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हो। एनीवेज, अगर आप भी प्राउड करते हो मेरी तरह इंडियन मिलिट्री पे तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। दोस्तों, क्या होगा अगर नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को हमारी इंडियन मिलिट्री के साथ भिड़ा दिया जाए? तो वैसे तो आप सभी जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया $100 से पहले अपना से 2.5 साल पहले करियर स्टार्ट किया। तो जल्दी कर दे यार, पेशाब आ रहा मुझे। अरे भैया, 2 छोटी गोल्ड फ्लैग देना। मैं चूतिया, इस पे छोटी गोल्ड फ्लैग मिलनी है, मोची है ये। चलो भैया, ला दूसरी दे। अरे भैया, कोई पुरानी स्कूटी दिलवा दो यार। मैं तू भी बावला 14 ही दिखे, अबे मोची पे स्कूटी मिल रही है। पीछे खड़े 25,000 रुपए की लाओ। चलो ला भाई, तेरे भी लग गई पॉलिश, 20 रुपए दे तू भी। अरे भाई साहब, 1 किलो घी दे दियो जरा। झाटुओ, क्या हो गया तुम्हें? कोई मोची से सिगरेट मांग रहा है, कोई पुरानी स्कूटी मांग रहा है, तू घिया लेने आ गया? अबे मोची है ये। ये लो भैया, 1 किलो घिया 40 रुपए हो गए आपके। पैसे, ओए पैसे। अबे चल, आयो रे मां।
दोस्तों पुलिस वालों का कुछ ऐसा हाल हुआ जब पुलिस वालों ने कमांडो को छेड़ा। असल में बात कुछ आज से 4 महीने पहले की है, जब एनएसजी कमांडो गणेश गोपी छुट्टी में अपने घर आए हुए थे और अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे, लेकिन पुलिस वाले इनका चलान करने की बात करते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि आपने मास्क नहीं पहना है, आपका चलान होगा। लेकिन गणेश अपने मुंह पर रुमाल को बांध रखे होते हैं और कहते हैं जब मैं गाड़ी से बाहर उतरूंगा तब मैं मास्क पहन लूंगा। लेकिन पुलिस वाले इन्हें गाड़ी से बाहर खींच लेते हैं और इनके साथ हाथापाई करने लगते हैं और फिर कमांडो का भी मूड गर्म हो जाता है और फिर बेचारे चारों पुलिस वालों का कुछ ऐसा हाल करता है कमांडो। इस घटना के बाद पुलिस वाले बस यही सोच रहे होंगे, काश हमने इस गाड़ी को ना रोका होता तो आज हमारा यह हाल ना होता। दोस्तों आपका इस कमांडो के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट पे जरूर बताएं। दोस्तों पुलिस वालों का कुछ ऐसा हाल हुआ। दोस्तों मैं ना चूल्हे पे चिकन पका पका कर खुद ही पक गया था, तो मैंने इधर सोचा क्यों ना आज कुछ नए तरीके से चिकन पकाया जाए। तभी मुझे इस वीडियो से मुलाकात होती है जिसको बनाया ब्रूसी ब्रेन नाम के यूट्यूब चैनल ने। तो इस वीडियो में इन्होंने लगभग 10 लाख माचिस की तीलों का इस्तेमाल किया इस सुंदर से घर को बनाने के लिए। घर बनाने के बाद अब बारी आती है चिकन पकाने की, तो इन्होंने मुर्गों को घर के अंदर डाल दिया। रुको जरा, सबर करो, ऐसे कौन चिकन पकाता है यार, थोड़ा काट पीट के मसाले तो डालने दो। हाँ भाई साहब अब सही है, डाल दो। आखिरकार इतनी मेहनत करने के बाद चिकन पककर तैयार हो जाती है। दोस्तों मैंने चूल्हे पे चिकन, दोस्तों हम सब ये तो जानते हैं कि ड्रिल मशीन को किसी भी वस्तु या दीवार में घुसेड़कर होल किया जा सकता है और ये काफी मजबूत भी होती है। तो क्या होगा अगर हम ड्रिल मशीन को नोकिया 3310 पर चलाएं? तो चलिए देखते हैं। तो हमने विदाउट बैटरी के मासूम नोकिया 3310 को ड्रिल प्रेस के नीचे सुला दिया है। अब जब तक नोकिया में छेद हो रहे हैं तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब ड्रिल प्रेस को नोकिया के स्क्रीन पर चलाते हैं। क्या नोकिया इस एक्सपेरिमेंट के बाद ऑन हो पाएगा? चलिए देखते हैं। दोस्तों ये तो कमाल हो गया, नोकिया तो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। ड्रिल मशीन की किस्मत अच्छी है कि वो टूटी नहीं। दोस्तों हम सब ये तो जानते हैं अगर गोरिल्ला और शेर की जंग छिड़ जाए तो इन दोनों में से किसकी जीत होगी। इससे पहले ये जान लीजिए, एक दिन अचानक से तेंदुआ का मुकाबला गोरिल्ला से हो जाता है और जैसे ही तेंदुआ हमला करता है गोरिल्ला पर, तो गोरिल्ला अपने घूंसे से तेंदुए की रीत। तो चलो फिर 13 मिनट में, तो बाय। चलो कैमरा में जाकर तो अगली वीडियो में भी अच्छे रहना। तो गाइस बंद करो।